हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बारबरियन इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, जो इस शहर में इंटरव्यू देने के लिए आई है। इस लड़की का नाम टेस है और उसने ये घर एक रेंट पे घर देने वाली कंपनी से किराए पर लिया है। बाहर बहुत बारिश हो रही है और टेस उस घर के बाहर पहुंच गई है। टेस उस घर के बाहर पहुंचकर उस घर की चाबी ढूंढ रही है, पर उसे घर की चाबी नहीं मिलती है। इसीलिए वो चाबी के लिए कंपनी में कॉल करती है, लेकिन उसे रात होने की वजह से वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसीलिए वो वॉइस मैसेज छोड़ती है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे घर के अंदर की लाइट ऑन दिखाई पड़ती है। तो फिर टेस जाकर बेल बजाती है तो एक लड़का डोर ओपन करता है। तो टेस बताती है कि मैंने ये घर किराए से लिया है और तुम कौन हो। तब वो लड़का बताता है कि मैंने पहले से ही ये घर किराए पर ले रखा है। तब दोनों सोचते हैं कि शायद कंपनी के लोगों से कुछ गलती हुई होगी, और क्योंकि अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कल उनसे बात की जाएगी। वैसे इस लड़के का नाम कीथ है। और फिर इतनी रात को बाहर बारिश हो रही है और टेस यहाँ की है भी नहीं, तो वो कहाँ जाएगी। इसीलिए कीथ टेस को यहीं पर रहने के रिक्वेस्ट करता है और टेस मान भी जाती है। फिर दोनों देर रात तक बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। और फिर देर रात को टेस कमरे में सोने के लिए जाती है और कीथ बाहर सोफे पर सो जाता है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में टेस ऑफिस जाकर इंटरव्यू देती है और फिर उसकी बॉस वो कहाँ रहती है पूछती है, तो टेस उसने जहाँ पे घर लिया है उस एरिया का नाम बताती है। लेकिन उसकी बॉस को बहुत अजीब लगता है और वो टेस को वहाँ पर ना रहने की सलाह देती है। लेकिन टेस कहती है कि कोई बात नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक है। फिर टेस अपने घर के लिए निकलती है और जाते समय रास्ते में वो नोटिस करती है कि उनके पड़ोस में कोई भी नहीं रहता है, सारे के सारे घर खाली हैं। उसे ये सब कुछ देख के बहुत अजीब लगता है। उसने मॉर्निंग में भी ये सब नोटिस किया था, लेकिन तब इग्नोर किया था। लेकिन जब उसकी बॉस ने वहाँ रहने से मना किया तो उसने ज्यादा ध्यान दिया इन चीजों पर। घर आने के बाद उसे टॉयलेट पेपर चाहिए था, इसीलिए वो टॉयलेट पेपर्स को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चली जाती है। तो बेसमेंट का डोर बाहर से लॉक हो जाता है। अब उसे अपने फ्रेंड यानी कि कीथ के आने का इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक वो इधर उधर देख रही होती है। और तब उसे एक दीवार से बाहर निकली एक रस्सी मिलती है। उसे वो खींचती है तो वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। इसीलिए वो अंदर लाइट पहुँचाने के लिए कुछ जुगाड़ करती है और अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक और डोर मिलता है। वहाँ स्विच था, उसे ऑन करने पर वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन उस कमरे के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। टेस ये सब कुछ देख के बहुत डर जाती है और तभी उसका फ्रेंड यानी कि कीथ वहाँ पर आ जाता है। वो खिड़की से उसे चाबी देती है और वो अंदर आकर बेसमेंट का डोर खोलता है। तब टेस उसे बेसमेंट में मिले उन दोनों भी सीक्रेट कमरे के बारे में बताती है और तुरंत ये घर छोड़कर वहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन कीथ उसे शांत होने के लिए कहता है और खुद बेसमेंट में जाकर देखना चाहता है, तो इसीलिए वो अंदर चला जाता है। जब कीथ बेसमेंट से वापस नहीं आता तो टेस कीथ को देखने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। वो उस सीक्रेट कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कीथ नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपनी फोन की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगती है। तो उसे एक और डोर वहाँ पे मिल जाता है। जब वो डोर वो खोलकर देखती है तो उसे शॉक लग जाता है। वहाँ पर बहुत ही दूर तक जाने वाली सीढ़ियाँ थी जो टनल के अंदर जाती है। टेस अंदर जाकर कीथ को ढूंढने लगती है। वो बहुत डरी हुई है और अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी है। वहाँ बहुत अजीब अजीब सी चीजें भी रखी हुई है। वो और ज्यादा डर जाती है और कीथ को आवाज देने लगती है। वो टनल के अंदर काफी दूर तक जाती है, लेकिन कीथ उसे नहीं मिलता। एंड फाइनली थोड़ा और आगे जाने के बाद कीथ उसे मिल जाता है। वो उसे लेकर बाहर की तरफ जाती, इससे पहले वहाँ पर पीछे से एक औरत आती है और कीथ का सर दीवार पे पटक पटक के उसे खत्म कर देती है। और फिर वो औरत टेस की तरफ देखती है और बहुत ही जोर से बहुत ही डरावनी तरीके से चिल्लाने लगती है और अचानक से फिर सब कुछ डार्क हो जाता है। और हम यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि टेस के साथ भी उस औरत ने वैसा ही किया या फिर टेस वहाँ से निकलने में कामयाब हो पाई। फिर अगले सीन में एक नौजवान दिखाया जाता है जो अगले दिन उसी घर में रहने आता है। इसका नाम एजे है। इसने भी उसी कंपनी से घर किराए पर ले लिया है जिस कंपनी से पहले उन दोनों ने किराए पर ले रखा था घर। और वहाँ पर टेस की गाड़ी वैसी की वैसी ही रोड पर खड़ी थी। घर के अंदर टेस और कीथ का सामान भी वैसा का वैसा ही था।
यह सब देखकर एजे कंपनी को कॉल करता है और पूछता है कि यहाँ पर पहले से कोई रह रहा है, पर कंपनी में काम करने वाली औरत कहती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और इससे ज्यादा वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। उस औरत का एजे से कहना था कि अपने घर में आप आराम से रहो और कंपनी को तंग ना करो। फिर एजे टेस का बैग देखता है और भी उसका बहुत सारा सामान देखता है, तो उसे टेस का लैपटॉप मिल जाता है, पर पासवर्ड होने के कारण वो उसे ओपन नहीं कर पाता, इसीलिए वो लैपटॉप यूजलेस था। टेस की गाड़ी की चाबी भी वही पर थी जहाँ पर उसने रखी हुई थी, यानी कि टेबल के ऊपर। एजे को लगता है कि बेसमेंट में कोई चुपके से रह रहा है, इसीलिए टॉर्च, चाकू और पूरी तैयारी के साथ वो बेसमेंट में देखने के लिए जाता है, तो उसे टेस ने जो मिरर वहाँ पे रखा हुआ था वो वैसा का वैसा ही मिलता है। उसे वो सीक्रेट रूम और सीक्रेट कमरा भी मिलता है और ये सब देखकर वो नेट पे सर्च करने लगता है कि अंडरग्राउंड और बेसमेंट एरिया भी रेंट पे लोग देते हैं या फिर नहीं। और नेट पे देखने के बाद वो बेसमेंट का कारपेट एरिया मेजर करने के लिए एक मेजरिंग टेप लेकर अंदर जाता है और तब उसे वो सीक्रेट टनल भी मिल जाती है और वो उस टनल का भी एरिया नापने लग जाता है। वहाँ पर अंदर उसे एक कमरा मिलता है जहाँ पर एक टीवी ऑन था और उस टीवी पर एक मम्मी अपने छोटे से बेबी को दूध पिला रही थी और तभी एजे के हाथ में जो मेजरिंग टेप था वो कोई जोर से खींच लेता है। एजे डर कर भागने लगता है और वो गिर जाता है। उसकी टॉर्च भी खराब हो जाती है, फिर भी अंधेरे में ही उठकर वो भागने लगता है और तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसी गड्ढे में टेस भी है। सीन फिर से बदल जाता है और एक आदमी दिखाया जाता है जो उसी घर में रहता है, लेकिन आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। वो आदमी शॉपिंग करने के लिए जाता है और छोटे बच्चे की चीजें खरीद कर लाता है। आते समय वो एक औरत का पीछा करता है और प्लम्बर बनकर उसके घर में भी जाता है उसके बाथरूम का टैप टेस्ट करने के बहाने। बाथरूम में जाकर उसकी बाथरूम की खिड़की अंदर से अनलॉक करता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर बाद में वो अपने घर आता है और बेसमेंट का डोर ओपन करता है और अंदर किसी औरत की चीखने और चिल्लाने की बहुत ही तेज आवाजें आ रही थी और वो अंदर जाकर डोर बंद कर लेता है। सीन फिर से टेस और एजे पर आता है। टेस एजे को बताती है कि उस औरत को अपसेट मत करो, तुम अपसेट होगे तो वो भी अपसेट हो जाएगी। फिर वो औरत वापस आती है और अपने साथ एक दूध की बोतल लेकर आती है और एजे को बोतल से दूध पीने के लिए कहती है, लेकिन एजे मना करता है। टेस उसे दूध पीने के लिए कहती है और बताती है कि वो बस तुम्हें अपना बच्चा समझना चाहती है। फिर वो टेस को बोतल से दूध पिलाती है और उसे बच्चे की तरह प्यार करती है। वही एजे को वो सजा देती है और इसके लिए उसे वो अपने साथ गड्ढे से बाहर निकालकर अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पर टीवी ऑन था और उस टीवी पर औरत एक बेबी को दूध पिला रही थी। वो औरत भी सेम तरीके से एजे को अपना बच्चा समझने लगती है। गड्ढे के ऊपर की जाली ओपन थी, इसीलिए टेस गड्ढे से बाहर निकल आती है और इधर वो औरत एजे को दूध पिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी टेस के पैर से एजे का जो मेजरिंग टेप था उसकी आवाज हो जाती है, इसीलिए उस डरावनी औरत का ध्यान टेस की तरफ जाता है। टेस जल्दी जल्दी भाग कर बेसमेंट में आ जाती है, पर बेसमेंट का डोर बंद था, इसीलिए वो वहाँ की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है और बाहर से एक आदमी उसकी मदद करता है। जैसे ही टेस बाहर निकलती है वो औरत खिड़की से देखकर वापस अंदर जाती है। फिर टेस एजे की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि कोई भी फायदा नहीं है, तुम बच गई हो इतना ही काफी है। वो औरत हर रात को बाहर आती है और रात होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर अंदर एजे भी उस कमरे से बाहर निकलता है और फिर मोबाइल की टॉर्च की मदद से टनल में आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक घंटी मिलती है और उस घंटी से एक वायर लगी हुई थी, तो वो उस वायर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि पीछे से वो औरत आ रही है, पर अब एजे के आगे वो डोर था जो बंद था और वो औरत सच में एजे की तरफ आ रही थी, लेकिन फिर वो औरत लौट जाती है और फिर एजे उस रूम में दाखिल हो जाता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरे का ढेर है। वहाँ पर हम उस औरत की ड्रेस को नोटिस करते हैं जिसके घर में वो आदमी प्लम्बर बन के घुस गया था। फिर उसे उस कमरे में एक आदमी भी मिलता है, शायद वो उस औरत का पति था। इधर बाहर टेस पुलिस की गाड़ी को रोककर अपने साथ चलने को कहती है और जो भी हुआ वो सब कुछ उन्हें बताने लगती है, लेकिन उसकी बातों में पुलिस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर अंदर एजे उस बुढ़े आदमी की मदद करना चाहता है जो बोल भी नहीं पाता है,
उसे लग रहा है कि उस बुड्ढे को भी उस औरत ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। इधर टेस बड़ी मुश्किल से उन पुलिस वालों को उस घर तक लेकर आती है, पर वो पुलिस वाले उल्टा टेस को ही डांटने लगते हैं कि तुम ही ने ये विंडो ब्रेक की है और ऊपर से बकवास करके हमें परेशान कर रही हो। जैसे तुम कह रही हो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और वहाँ से वो पुलिस वाले चले जाते हैं। टेस चिल्लाती रह जाती है कि प्लीज मत जाओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, पर वो दोनों भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर टेस खुद ही एजे की मदद करने का फैसला करती है और वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर चली जाती है। इधर एजे को वो आदमी कुछ मांगता है। एजे को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पूरी टेबल ही उस आदमी के पास रख देता है और फिर उस कमरे में इधर उधर देखने लगता है। पर उसे बहुत सारी कैसेट्स मिलती हैं, जिसमें से एक को वो प्ले करके देखता है तो उसमें औरतों को बहुत ही डरावनी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था और टॉर्चर करने वाला वो ही बुड्ढा था। और जिस कमरे में उन औरतों को टॉर्चर किया जा रहा था ये वही कमरा था जो टेस को बेसमेंट में शुरू में मिला था, जिसमें एक बेड, एक कैमरा और एक बाल्टी थी। उस कमरे में ये आदमी ऐसे घिनौने काम किया करता था। फिर जब एजे उस आदमी को इसके बारे में पूछने लगता है तो वो आदमी ड्रॉवर से गन निकालता है और तब एजे बहुत डर जाता है, लेकिन वो आदमी खुद को ही गोली मार लेता है। इधर टेस अपनी गाड़ी की चाबी लेकर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। और उस आदमी ने टेस से कहा था कि वो औरत हर रात को घर से बाहर निकलती है, तो टेस उस औरत का इंतजार करने लगती है। एंड फाइनली अंधेरे में वो औरत बाहर आ भी जाती है और टेस उस पे अपनी गाड़ी चढ़ा देती है। पर जैसे ही गाड़ी घर से टकरा जाती है उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और वो औरत वहीं पर फंस जाती है। फिर टेस एजे की मदद करने के लिए फिर से बेसमेंट में जाती है और दरवाजा बंद ना हो इसीलिए वहां पर चेयर लगा देती है। फिर जैसे ही टेस टनल में जाती है आगे से एजे भी वहां पर आने लगता है। उसके हाथ में उस बुढ़े आदमी की गन भी थी। एजे को लगता है कि ये वही बुढ़ी डरावनी औरत है, इसीलिए वो गोली चलाता है और गोली सीधे टेस के पेट में लग जाती है। फिर एजे टेस को उठाता है और दोनों भी उस डरावनी टनल से बाहर निकल जाते हैं, पर वहाँ पर वो बुढ़ी औरत नहीं थी जहाँ पर टेस ने उसे छोड़ा था। फिर दोनों भी रोड पे चलने लगते हैं, तभी वही आदमी उन दोनों को एक फेंस के अंदर ले लेता है जिसने दोपहर में टेस को वापस अंदर जाने से रोका था। फिर वो आदमी इन दोनों को भी बताता है कि वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी यहाँ पर पिछले 40 सालों से इस एरिया में ऐसे ही तबाही मचा रहे हैं, इसीलिए यहाँ के सारे लोग अपना घर छोड़कर चले गए। और वो दोनों ऐसे क्यों हैं किसी को उनकी इस हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर आप दोनों मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे तो सेफ रहेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ और वो आज तक यहाँ पर कभी नहीं आई है। और तभी वो पीछे की दीवार तोड़कर वो औरत अंदर आ जाती है और उस आदमी का हाथ खींचकर उसके धड़ से अलग कर देती है और उसे उसी के हाथ से पीटने लगती है। और ये सब देखकर एजे और टेस वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों भी उस फेंस के बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। इसीलिए एजे को एक सीढ़ी दिखाई देती है और वो उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे टेस भी भागने लगती है और उन दोनों के पीछे वो बुढ़ी औरत भी आने लगती है। फिर एजे के हाथ से उसकी गन भी गिर जाती है और अब एजे, टेस और वो औरत तीनों भी ऊपर है। तभी एजे टेस को नीचे फेंकता है और बुढ़ी औरत को कहता है कि जाओ जाकर अपने बेबी को बचा लो, और वो औरत भी टेस के पीछे पीछे वहाँ से कूद जाती है। एजे को लगता है कि वो बच गया है और नीचे दोनों भी मर गई है। वो नीचे आता है और देखता है वो बुढ़ी औरत टेस को बचाने के लिए पहले गिर गई और अपने ऊपर टेस को गिरने दिया था, इसीलिए सच में टेस बच गई थी। लेकिन वो बुढ़ी भी अभी जिंदा थी। वो अचानक से उठ जाती है और एजे को खत्म कर देती है और टेस को अपने बच्चे की तरह उठाकर अपने साथ वापस टनल में ले जाना चाहती है, लेकिन टेस उसके चेहरे पर गन लगाती है और टेस को बच्चे की तरह एक किस देकर वो बुढ़ी औरत टेस की गोली से मर जाती है। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे दूसरे दोनों चैनल को जाके विजिट करिए, वहाँ के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वो चैनल भी सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।